नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता जी। गुप्ता जी, स्वागत आपका एक बार फिर से। जी मेहरबानी आप। गुप्ता जी, आज यहाँ पहुँचने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? आज मैं गुला के अंदर कार्यालय का शुभारम्भ करने के लिए आया हूँ। गुला के अंदर पालिका के चुनाव है और उस चुनाव की तैयारियाँ जोर शोर पर गुला के लोग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक परिवर्तन के लिए, एक धर्म और जाति के नाम का छोड़ के काम के राजनीति के लिए, ये फैले हुए भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, 24 घंटे बिजली पानी, दिल्ली का मॉडल देने के लिए, युवक के रोजगार का प्रावधान करने के लिए, अच्छी इंडस्ट्री और अच्छे शॉप्स खोलने के लिए, इस प्रदेश की तरक्की के लिए रास्ता निकालने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। गुप्ता जी, पंजाब में क्या देखते हैं, कितनी सीटें निकाल पाएगी आप? पंजाब में हमारा आइडिया ये था कि हम 80+ सीट लेंगे, परंतु आपके जो सर्वे देख रहे हैं और जनता की भावना देख रहे हैं, कोई ताज्जुब नहीं कि 100+ सीट भी वहाँ पे आ जाए। इसके अलावा जो हरियाणा में देखिए, अगर आप पंजाब में फुल फ्लैज पोजीशन में आती है तो पूरा प्रभाव हरियाणा में पड़ेगा, और हरियाणा के नगर पालिका चुनाव या पंचायत चुनाव है उसमें लगता है कि आम आदमी पार्टी पूरा अपना वर्चस्व कायम कर पाएगी। आम आदमी पार्टी कई महीने पहले डिक्लेयर कर चुकी है कि चाहे पंचायत के चुनाव हों, नगर पालिका के हों, नगर निगम के हों, नगर परिषद के हों, हम सब सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पे लड़ेंगे। और हरियाणा के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जेजेपी और लोकदल, इन्होंने मिल के जो हरियाणा को गर्क के अंदर डाल दिया है, भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना दिया है, बेरोजगारी की राजधानी बना दिया है, महिलाओं के प्रति अपराध में सबसे ऊपर पहुँचा दिया है, इन सब चीज़ों को ख़त्म करके फिर एक मुस्कुराता हुआ हरियाणा, एक विकसित हरियाणा बनाएगा। आमतौर पे जो माइनिंग के मामले हैं, माइनिंग के मामलों में सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती, और ये सरकार चोरी पे टिकी हुई सरकारें हैं। प्रधानमंत्री बात करते हैं अपने ईमानदार मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री के तार जब छात्रों की भर्ती हुई तो चैट वहाँ पर पड़ी गई कि तार मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए हैं, रिश्वत वहाँ पर जाती है। माइनिंग की आप बात कर रहे हो, रेता चोरी में ये इन्वॉल्व है, पहाड़ की चोरी में ये इन्वॉल्व है, पत्थर चोरी में ये इन्वॉल्व है, कौन सी एक चोरी मुझे बता दो, और एक निगम बता दें कट्टर साहब कि ये मेरा निगम ईमानदारी से काम कर रहा है, ये मेरी पालिका ईमानदारी से काम कर रही है। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवा यहाँ पे कुछ नहीं। गुप्ता जी, एक बात और सामने आ रही है कि बड़े बड़े जो पद हैं वो जाति आधार पर ही तय किए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी ना जाति की राजनीति करती, ना धर्म की राजनीति करती, काम की राजनीति करती है। और काम के बेस पे एक अच्छा व्यक्ति, जो सामाजिक व्यक्ति हो, लोगों की सेवा करता हो, ऐसे व्यक्ति को टिकट देंगे और हरियाणा को विकसित करेंगे। जी शुक्रिया। तो ये थे जो है राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता, जिन्होंने आज चीका में एक कार्यालय का शुभारंभ भी किया और खुलकर उन्होंने सवालों के जवाब पंजाब केसरी टीम को दिए हैं। पहले भी वो पंजाब केसरी में अपनी तरफ से जानकारियाँ सार्वजनिक कर चुके हैं। तो देखिए, जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी के एग्जिट पोल में, एक सर्वे में ये आया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनने जा रही है, उससे हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने के आसार हैं। और इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता पहुँचे, जिन्होंने यहाँ पहुँचकर अपनी पूरी जानकारी अपनी तरफ से दी और सरकार पर जो उन्होंने तंज भी कसा कुछ बातों को लेकर। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी का आने वाले समय में कितना वर्चस्व यहाँ कायम हो पाता है वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आम आदमी पार्टी इस समय बुलंदियों पर जरूर चली हुई है। गुला चीका से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।